नमस्कार, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। अहमदाबाद के एक बड़े शोरूम के सीईओ और ऑटो एक्सपर्ट श्री अनिल चुंज का कहना है, अगर आप कार से यात्रा कर रहे हो, चाहे वो कोई भी मौसम हो, आपके कार के टायर्स हमेशा अच्छे कंडीशन में होना चाहिए। ये बात मानसून के दिनों पर भी लागू होता है। गाड़ी के ब्रेक, वाइपर, ब्लेड और वॉश पाइप सिस्टम को चेक करते रहें। साथ ही गाड़ी में खराब हो चुके पुर्जों को बदलवा दें। किसी जानकार मैकेनिक से चेसिस में बने पानी निकलने वाली जगह को चेक कराएं, ताकि बारिश के मौसम में गाड़ी की चेसिस के अंदर पानी इकट्ठा ना हो। भीगी हुई सड़कों पर ज़्यादा लाइट की ज़रूरत होती है, ऐसे में अपनी कार के हेडलाइट को दुरुस्त रखें। अपनी कार को कभी भी उन रास्तों पर ले जाने से बचें जिस पर जल जमा हो, और अगर किसी कारणवश आपको कार ले जानी पड़े तो पानी में गाड़ी को कभी भी तेज न चलाएं। कार की स्पीड बिल्कुल धीमी रखें। अगर आप अपनी कार को लेकर पानी में उतरते हैं तो गाड़ी की स्पीड धीमी रखें। फिर से अहमदाबाद से सलीम बच्चे के खास रिपोर्ट। नॉर्मली व्हीकल्स जब हम बारिश के अंदर जब चला रहे होते हैं तो हेडलाइट्स वगैरह जो है उसको भी कम्प्लीटली आपको ऑन पोजिशन के अंदर ही रखना है, ताकि आगे वाले ड्राइवर को भी हमारी व्हीकल इजीली विजिबल रहे और हमें भी आगे रास्ते पर क्या है आगे, और आगे कोई व्हीकल आ रहा है तो हमारी विजिबिलिटी ज्यादा बेहतर होने के लिए हेडलाइट्स वगैरह जो है आपने ऑन रखना चाहिए। मॉनसून सभी के लिए बहुत ज्यादा सेफ और अच्छा रहे, इसलिए मेरी एडवाइस है जितने भी कार ओनर्स हैं अहमदाबाद और ओवरऑल सभी इंडियन हमारे जो हैं हिंदुस्तान में जितने भी कार ड्राइवर्स हैं, उन सबको मेरी ये एडवाइस है कि व्हीकल को एक बार प्री इंस्पेक्शन करवा ले, प्री मॉनसून चेकअप वगैरह जो है आप डीलरशिप पे ले जा करके कंप्लीट गाड़ी का चेकअप करवाइए, उसके बाद व्हीकल को जो है आप यूज कीजिए, ताकि किसी भी तरह का कोई हादसा आपके साथ में ना बने, ना कोई एक्सीडेंट हो, ना कोई इंजन आपका हाइड्रोस्टेटिक लॉक वगैरह हो। ये सारी चीजें अवॉइड करने के लिए मेरी ये एडवाइस है कि आप किसी भी ऑथोराइज सेंटर पे ले जा करके गाड़ी को चेक करिए। हैप्पी मॉनसून। नमस्कार, मेरा नाम अनिल चुंच है, सीईओ पेगासस ग्रुप ऑफ कंपनीज, मारुति सुजुकी डीलरशिप की हमारी मारुति यहां पर चेन है अहमदाबाद में, वन ऑफ द लार्जेस्ट मारुति सुजुकी डीलर है अहमदाबाद में। हमारे भोपाल, चांगोदर, सीटीएम, वस्त्राल, चिलोड़ा, ठक्कर बापा नगर, इतने सारे लोकेशंस पे जो है हमारी प्रेजेंस अवेलेबल है, जहां सेल्स और सर्विसेज हम लोग मारुति सुजुकी कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हैं। मानसून सीजन स्टार्ट हो चुका है तो मैं जितने भी कार ओनर जो हैं, कार ड्राइवर्स हैं, उनको कुछ स्पेशल सूचना जो है मानसून के अंदर ध्यान रखने की बाबतें जो है जो शेयर करना चाहता हूं अपने अहमदाबाद वासियों को। खास मानसून सीजन के अंदर प्रिकॉशनरी बेसिस पे मेरा गाइडलाइन ये है कि सभी कस्टमर्स अपने कार की वाइपर्स की जांच करवा ले, किसी भी ऑथोराइज सेंटर पे ले जा करके जो है उसके वाइपर्स चेक करवा ले, ताकि ग्लास पे वाइपर और विजिबिलिटी के लिए जो है वाइपर सही ढंग से अगर वर्क करेगा तो वो विजिबिलिटी आपकी बहुत ज्यादा अच्छी रहेगी। इसके अलावा टायर जो है आपकी गाड़ी के अंदर वो बिल्कुल परफेक्ट होने चाहिए, उसमें अगर बाल टायर्स हैं तो उससे कार स्कीडिंग होने की संभावना है, जिससे एक्सीडेंट्स कभी हो सकते हैं इन फ्यूचर। इसके अलावा सारे कार्स के इक्विपमेंट्स वगैरह जो एक जनरल चेकअप अपनी गाड़ी का करवाना चाहिए, जहां इलेक्ट्रिकल सिस्टम प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं या नहीं, हेडलाइट्स वगैरह जो है वो प्रॉपर वर्क कर रहे हैं या नहीं, इन सारी चीजों का खास ध्यान रखें। इसके अलावा जब बारिश के अंदर आप बहुत ज्यादा हैवी रेन वगैरह होता है तो अगर कोशिश करिए कि अगर आप टाल सकते हैं अपने ट्रैवल को तो आप टाल दीजिए, अगर फिर भी बहुत ज्यादा जरूरी अगर आपको लग रहा है कि नहीं आपने ट्रैवल करना जरूरी है, सो मेरा ये एडवाइस है आप सभी लोगों को कि जब भी आप कार ड्राइव कर रहे हो तो एक स्लो स्पीड के ऊपर आप नॉर्मल जो आपका ड्राइविंग स्पीड होता है उससे थोड़ी सी स्लो आप रखें, ताकि क्या है ब्रेकिंग वगैरह जो है वो आप अच्छे से कर पाएं, और अगली कार आपका आगे वाली जो कार है उससे एक सेफ डिस्टेंस पे आप रखें, ताकि ब्रेकिंग करने से आपकी गाड़ी का मतलब एक सही डिस्टेंस पे आकर के जो है गाड़ी आपकी रुक जाए और एक्सीडेंट्स ना हो। इसके अलावा आपके वाइपर जो है वो ऑलवेज उसके अंदर चालू रखे, चाहे थोड़ा सा भी बारिश अगर आ रहा हो तो भी वाइपर चालू कर देना, इसलिए ताकि कई बार क्या है कुछ लोगों को आदत होती है कि अगर बहुत ज्यादा बारिश नहीं है तो वो वाइपर यूज नहीं करते, लेकिन उससे कभी विजिबिलिटी की वजह से आपके एक्सीडेंट होने के चांसेस है। अगर
आप व्हीकल ड्राइव कर रहे हो, अगर आपको कहीं पर वाटर लॉगिंग वगैरह दिख रहा है, तो वाटर लॉगिंग जहां पर भी ऐसा लग रहा है कि आपका स्टेडी वाटर वगैरह है, तो आप नॉर्मली डिवाइडर के साथ में अगर हो सके तो गाड़ी को आप ड्राइव करिए, लेफ्ट हैंड साइड पे ड्राइव ना करके राइट हैंड साइड डिवाइडर के साथ में पैरेलली ड्राइव करिए, ताकि कहीं पर कोई पॉट होल्स की वजह से जो है आपकी गाड़ी कोई गड्ढे में वगैरह ना चली जाए। तो आपको जो अनजाने रास्ते पे जो नोन रूट्स है उस पर तो आप कॉन्फिडेंट रहेंगे, लेकिन जो अननोन रूट्स है वहां पर नॉर्मली इस तरीके से आपने सेफ्टी का ध्यान रखना है आपने। और अगर सपोज आपको ऐसा लग रहा है कि आगे वाली गाड़ी के टायर वगैरह जो है विजिबल नहीं है या बहुत ज्यादा पानी है, तो अगर हो सके तो उसको कोशिश करिए कि आप गाड़ी को उस तरफ पानी के अंदर आप डाले ही नहीं। और अगर सपोज आपको लग रहा है कि आपकी गाड़ी के अंदर पानी थोड़ा बॉनेट के लेवल से आ चुका है, या आगे से कोई सामने से कोई कार अगर आ रही है और उसका पानी स्प्लैश होकर के अगर आपके बॉनेट पे आ गया है, तो उस गाड़ी को आप अगर हो सके तो साइड में पार्क कर दीजिए, थोड़ी देर के लिए चला करके देखिए, अगर वो प्रॉपर रन करिए तो ही आगे आपकी जर्नी जो कंटिन्यू करिए। अगर आपका पानी बोनेट लेवल से ऊपर तक आ चुका है, तो सबसे पहले नियरेस्ट जो भी वर्कशॉप अगर आपको लग रहा है ऑथोराइज वर्कशॉप, वहां पर आपने इंस्पेक्ट कर देना है। सपोज कभी पानी के अंदर गाड़ी आपकी चली गई है और गाड़ी अगर बंद हो जाती है, तो बंद होने के बाद में उसको दोबारा से कभी भी क्रैंकिंग मत कीजिएगा आप। ऐसा करने से जो है इंजन के जो कनेक्टिंग रॉड्स हैं या पिस्टन है वो ब्रेक होने के चांसेस है, इवन आपके इंजन का ब्लॉक जो है वो भी ब्रेक होने के चांसेस हो सकता है वाटर लॉगिंग की वजह से। सो ऐसा हाइड्रोस्टेटिक लॉक को अवॉइड करने के लिए जब भी आपकी गाड़ी पानी के अंदर जाती है तो उसको क्रैंकिंग वगैरह अवॉइड कीजिए आप। सपोज ऐसा कभी आपको लग रहा है कि हाँ हो चुका है, तो गाड़ी को धक्का मार करके नजदीक कहीं पर भी पार्क करके नियरेस्ट ऑथोराइज वर्कशॉप को कनेक्ट करिए आप, और वहीं से मतलब जो टो करवा करके व्हीकल का इंस्पेक्शन करवाना है आपने, व्हीकल को स्टार्ट न कीजिएगा। इसके अलावा सपोज आपकी गाड़ी जो है आप जब ड्राइव कर रहे हैं और ब्रेकिंग का आपने खास ध्यान रखना है कि कभी भी शॉर्ट ब्रेक आप बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। नॉर्मली ब्रेकिंग के अंदर दिक्कत आती है, कई बार बहुत ज्यादा शॉर्ट ब्रेक करने से भी प्रॉब्लम आ सकता है। तेज बारिश हो रही होगी दोस्तों, तो हमें अपनी हेडलाइट को ऑन कर देना है लो बीम में। हाई बीम में कभी भी हेडलाइट का यूज नहीं करना चाहिए, लो बीम में हमें अपनी लाइट को यूज करना दोस्तों, ताकि उससे सामने से जो कार आ रही है उसको पता लग जाता है कि कोई कार आ रही है। अगर हम चल रहे हैं तो पीछे जो हमारी कार है उसको हमारी टेल लाइट से पता लग जाएगा कि हाँ कोई कार सामने चल रही है, क्योंकि विजिबिलिटी इतनी कम होती है। ये तो ही दोस्तों बात। तीसरी बात है दोस्तों कि हमें अपनी कार को अगर कहीं पे ज़्यादा पानी है दोस्तों, तो वहाँ पे लेके नहीं जाना है। उसके नुकसान मैं बता दूँ दोस्तों क्या क्या होगा। अगर हमारी कार के अंदर पानी घुस जाता है, अगर हमारी कार के अंदर काफ़ी पानी घुस जाता है दोस्तों, उससे हमारा ACM DCM में ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अगर हम पानी में कार चला रहे हैं, अगर हमसे कार बंद हो गई या उसके अंदर पानी चला गया दोस्तों, अगर उसके इंजन के अंदर पानी चला गया, अगर इंजन के साथ अगर ऑयल के साथ अगर पानी मिक्स हो गया दोस्तों, तो हमारा इंजन वैसे ही ख़राब हो जाएगा। इंजन के अंदर पानी जाने के दो कारण है दोस्तों, या तो हमारे साइलेंसर से या हमारे एयर फिल्टर के जरिए। अगर एयर फिल्टर से पानी घुस जाता तब भी हमारे इंजन के अंदर पानी जा सकता है, अगर हमारे साइलेंसर से पानी जाता तो दोस्तों उससे भी हमारे इंजन के अंदर पानी जा सकता है। उसमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, हमें फर्स्ट गियर में एक्सेलेटर को थोड़ा तेज रखना है और हाफ क्लच में अपनी कार को चलाना है, क्योंकि एक्सेलेटर को बिल्कुल छोड़ना नहीं है, जो उसका रिदम रहेगा दोस्तों उसको बिल्कुल ब्रेक नहीं करना है। उससे क्या होगा दोस्तों, साइलेंसर से पानी इंजन के अंदर घुस जाएगा और कार बंद हो जाएगी, तो इससे ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो हमें उसका रिदम तोड़ना नहीं, हमें हाफ क्लच में फर्स्ट गियर में और एक्सेलेटर थोड़ा सा ज़्यादा करना है, बहुत ज़्यादा भी नहीं करना लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा करना है, ताकि उसका एक रिदम पे हमें अपनी कार को चलाना है। अगर कार